नमस्कार दोस्तों, आज अपन राजकाज पे IPR है जो असल संपत्ति का ब्यौरा है जो वार्षिक हर वर्ष कार्मिक को या अधिकारी को देना पड़ता है, तो वो कैसे फाइल करना है IPR जो राजकाज सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, तो दोस्तों उसकी जानकारी लेंगे। उससे पहले दोस्तों आप देख पा रहे हैं राजकाज साइट पे 26 अप्रैल 2022 को सर्कुलर जारी हुआ है जो कि IPR फाइल करने का लास्ट डेट है जो बताई गई है, जो कि 31 मई 2022 रखी गई है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। और जो कार्मिक पहले फाइल कर दिया IPR उनको कोई करेक्शन करना चाहें या संशोधित करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कर्मचारी अधिकारी का नहीं, उन सभी को जो राज्य सरकार का कर्मचारी है उन सबको IPR है जो राजकाज सॉफ्टवेयर पर SSO के माध्यम से फाइल करना है। आज अपन IPR की संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों मेरे साथ बने रही, मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिससे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों सर्वप्रथम आपको SSO ओपन करना है, यहाँ से ID पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में अपने को राजकाज का यह टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। राजकाज का टैब ओपन हो रहा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार का किसी भी कार्मिक है जो IPR से न छूटे, इसलिए आपको सभी को IPR है जो फाइल करनी कंपलसरी है। यहाँ पर है जो राजकाज सॉफ्टवेयर का है, टैब ओपन हो चुका है, होम पेज में गए, यहाँ से दोस्तों आपको माई IPR का टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ सबमिट डेट पर क्लिक करना है। आपने पहले IPR फाइल करी है तो उसका आ जाएगा IPR, यहाँ से आपने कब सबमिट किया है वो, और यहाँ से आप PDF भी उसका ले सकते हैं आपने किस तरह की IPR की है। अगर IPR में कोई करेक्शन करना चाहते हैं या कोई गलत प्रविष्टि हो चुकी है तो यहाँ से आप रिवाइज IPR कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप प्रथम बार IPR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जो अपडेट प्रोफाइल का टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करके पहले प्रोफाइल है जो अपडेट कर लेनी है। पहली बार IPR फाइल करना है तो वो IPR को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको जो आपकी नील संपत्ति है तो यहाँ कल टिक कर सकते हैं, बाकी सब ब्लैंक आ जाएगा। अगर आपके पास में कोई संपत्ति है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है और संपत्ति का क्या प्रकार है वो सेलेक्ट करना है, और आपका एड्रेस है वो सेलेक्ट करना है, जो पूर्ण एड्रेस आपका क्या है। उसके बाद में आपको यहाँ से ओनर कौन है, सेल्फ है या जॉइंट है, जो भी है आप सेल्फ पे टिक कर सकते हैं। आपके पास में अन्य जो असल संपत्तियाँ हैं वो किस तरह की संपत्ति है वो सभी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर संपत्ति से कितनी एनुअल इनकम हो रही है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एनुअल इनकम डाल के यहाँ से आपको रिमार्क डालना है और सेव एंड न्यू करना है, या फिर आप सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपका IPR है जो कंप्लीट फाइल हो जाएगा और आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, और प्रिंट लेने के बाद में आपको OTP से वेरीफाइड करना होगा इसको। अगर किसी कार्मिक के किसी भी तरह की कोई इनकम नहीं है या उसकी ऐसी संपत्ति नहीं है तो वो यहाँ जो प्लीज चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, तो इस पर टिक करके यहाँ से नील डाल के सबमिट कर सकता है। ये मैं जो अभी रिवाइज करवा रहा हूँ, आप यहाँ से प्रथम बार कर रहे हैं तो सबमिट कर सकते हैं। अगर रिवाइज वाला कोई कार्मिक है तो पहले ये रिवाइज भी कर सकता है, किसी भी तरह कोई संशोधन है तो संशोधन करके फिर ओके कर देवे। यहाँ पर आपको ITR है, IPR जो आपने फाइल किया है उसको यहाँ से टिक करके सबमिट करना है, और सबमिट करते ही आपका वेरीफाई मांगेगा, फाइल ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपको वेरीफाई एंड सबमिट पे टिक करके आपके आधार नंबर डालेंगे भी 12 अंक के, तो आपका ऑटो यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस के बाद में आपके पास में OTP आएगा, उस OTP को डालेंगे तो आपका ये IPR है जो कंप्लीट फाइल हो जाएगा। उसके बाद में इसकी आप PDF है जो ले सकते हैं या प्रिंट ले सकते हैं, या फिर आप अपडेट करना चाहते हैं प्रोफाइल तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोफाइल टैब पे जाने के बाद में ये टैब ओपन हो जाएगा, वहाँ पर पर्सनल डिटेल आपकी आ जाएगी। अगर पर्सनल डिटेल में आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो देख लें, वरना आप ओके करें। आपको ईमेल है जो @rajasthan.government.in वाली है जो बनानी है, ये अगर आपके पास में नहीं है ईमेल तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से वीडियो की लिंक दी हुई, उसके माध्यम से आप कैसे ईमेल है जो rajasthan.government.in की बना सकते हैं वो जानकारी दी हुई है। उसके बाद में आपकी सर्विस डिटेल यहाँ आ जाएगी, आप कौन से डिपार्टमेंट पे अपॉइंटेड है और आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट कौन सा है और आप किस टाइप की सर्विस है, आपकी सबऑर्डिनेट है या गजेटेड है, जो भी है। उसके बाद में आप कैडर कौन सा है और आप नॉन गजेटेड गजेटेड कौन सी पोस्ट पे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका डेसिग्नेशन सेलेक्ट करें, और आप इसको सर्च भी कर सकते हो यहाँ से,
और आपका 7th पे कमीशन के अनुसार आप कितने लेवल पे हैं और आप क्या वेतन है, उसके बाद में यहाँ से आप कैप्चा डाल के इसको सेव कर दें। इस तरह आपका प्रोफाइल है जो सेव हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।